हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये GS2 लेक्चर सीरीज का 8वां नंबर लेक्चर है। आशा है कि आप सब लोगों ने इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं उसको देखा होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर इन केस आपने ऐसा नहीं किया हुआ है तो प्लीज जाइए, पहले उसको देखिए, उसके नोट्स बनाइए, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। एक बात और फ्रेंड्स कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड। आज के लेक्चर में हम लोग पुलिस रिफॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़े मतलब पड़ेगी, ये सब चीज को समझना जरूरी है। देखिए, चूंकि आज से पहले हमने जो भी लेक्चर लिए हुए थे पहले, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स पुलिस के बारे में भी कहे थे, वहीं से उस पॉइंट को जॉट डाउन करके एक जगह पर लिख दिया है और ये आपका पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड नोट्स तैयार हो जाए। कुछ एडिशनल पॉइंट भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। देखिए, अगर यहाँ तक बात आती है व्हाई इन नीड ऑफ पुलिस रिफॉर्म, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, ये अंडर स्टाफ्ड है। मैंने पहले भी बताया था कि यूनाइटेड नेशन ने जो डेटा दिया था कि 222 पुलिस पर्सनल होने चाहिए पर लाख पे, जबकि इंडिया ने सैंक्शन जो किया है स्ट्रेंथ वो है क्या है 192 पर्सन पर लाख, बट एक्चुअली हमारे पास कितने हैं 144 ही हैं, ठीक है। ये एक्चुअल पर्सनल मतलब जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, वो इतना ही है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो पॉइंट है इसमें, यह है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। देखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स का इतना ज्यादा असर है हमारे यहाँ कि पुलिसों का जो सिक्योरिटी जो है ही नहीं टेन्योर का, कि उनकी कितनी दिन पोस्टिंग कहाँ रहेगी, क्या होता है, इसी वजह से वो ट्रांसफर पोस्टिंग की वजह से फियर में होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से सही से वो अपना निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नो सेपरेशन बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के बीच में सेपरेशन नहीं है, लोग समझते ही नहीं इसका क्या ये है, ठीक है। मीनिंग दोनों का अलग अलग है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अलग बात है और इन्वेस्टिगेशन करना अलग बात है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से इसको समझना जरूरी है। तो पुलिस रिफॉर्म इसके लिए भी बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, नीड हो जाती है इसकी, ठीक है। चलिए, चौथा क्या हो जाएगा पॉइंट, रिसोर्स क्रंच। ये तो हर जगह है, रिसोर्स क्रंच है ना, रिसोर्स क्रंच। अभी तक हमने जितने भी मुद्दे पढ़े हैं सब जगह ये कॉमन ये है। अब यहाँ पे क्या है कि आउटडेटेड इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल्स, एम्यूनिशन, यूनिफॉर्म, ये सब आउटडेटेड है। मतलब अब आज के डेट में भी आप देखिएगा पुलिस के पास मतलब क्या कहूँ मैं, आज भी डंडा लेकर के पुलिस है कई जगह पे। कॉन्स्टेबल को आप देखिए, आज भी डंडा है, जब अंग्रेजों के जमाने के आज भी उनके हाथ में बंदूकें हैं। तो इस सब चीजों को बदलने के लिए पुलिस रिफॉर्म का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चरल इश्यूज। देखिए, स्ट्रक्चरल इश्यूज का कहने का मतलब है कि एक पिरामिड होता है, किसी भी संस्था में एक पिरामिड होता है, ठीक है। सबसे ऊपर की पोस्ट वाला, उससे नीचे की पोस्ट वाला, उससे नीचे की पोस्ट वाला, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। होता भी है हर जगह पे, लेकिन इसमें क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या है, 90% जो पर्सनल है वो कॉन्स्टेबल और उसके आसपास के मतलब पोस्ट पे है, ठीक है। सो मतलब एपेक्स जो पर्सनल है वो बहुत लोअर नंबर में है, बहुत कम नंबर पे है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जो हायरार्की है वो थोड़ा सा बैलेंस नहीं रहता है। इसीलिए नीड क्या है, पिरामिडल हायरार्की की नीड है। समझ गए होइएगा स्ट्रक्चरल इशू का मतलब। अब देखिए, लैकिंग इन स्किल्स। अब स्किल्स किस चीज की, अब जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, तो स्किल की कमी हो रही है। और क्या है, साइबर क्राइम वगैरह से रिलेटेड डेटा जो आप देखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि आज भी पुलिस इसको मतलब इस पर कोप अप करने में असमर्थ है हमारे यहाँ। तो इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको जानना जरूरी है। क्रिप्टो क्राइम्स होते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भी नई नई चेंजेस आने जरूरी हो गए हैं क्योंकि वहां भी स्किल की कमी देखी जा रही है, ठीक है। मतलब आजकल जो क्रिमिनल है वो भी अपना माइंड लगा रहा है ना, वो इस तरीके से क्राइम कर रहा है कि जो पुराने जो अतकंडे हैं इसको खोजने के जो स्किल्स हैं वो उस पे खरे नहीं उतर रहे हैं, है ना। आप देखिए, हाल फिलहाल में भी बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिसको सुलझाना, जिसकी गुत्थी सुलझाना बहुत मुश्किल हो चुकी है। अभी तक केस लटका पे लटका जा रहा है, समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं पर्टिकुलर किसी केस का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये है, ओवरबर्डन विथ नॉन लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस। अब क्या मैंने कहा कि एक पुलिस को
और भी काम करने होते हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटी दे देगा, सिक्योरिटी ऑफ इलीट्स, कोई बड़ा नेता आएगा आपके शहर में तो उसको ड्यूटी पर लगा देगा, ठीक है ना। तो पुलिस को और भी वर्क थमा दिए जाते हैं कि आप इसको कीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, डिसकनेक्शन बिटवीन पब्लिक एंड पुलिस। अब ये देखिए, लोग ना पुलिस के नाम से डरते हैं, ठीक है। बचपन में हम लोग डराते थे पुलिस आ जाएगी, पकड़ लो पुलिस आ जाएगी, है ना। गाने भी बन जाते हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, है ना। तो अब डर किस चीज की है, कि आप गलत कर रहे हैं आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर आपका वहां पे हस बहुत बुरा होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये डिसकनेक्शन है किसके बीच में, पुलिस के बीच में और जो पब्लिक है उसके बीच में, उन दोनों के बीच में तारतम्य नहीं बनता है, एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं है। तो इसके चलते भी पुलिस के रिफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोअर फीमेल जो है वो के पर्सनल से 12% पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में है। आपको एक चीज मैं बताऊं, मैं बिहार से हूं और मुझे एक चीज सुन के बहुत अच्छा लगता है कि सबसे ज्यादा जो फीमेल पर्सनल्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट में वो हमारे बिहार में ही है, ठीक है। नंबर ऑफ पूरे पूरे इंडिया में, पूरे स्टेट को अगर देखिए तो जितने भी स्टेट हैं सब में जितने जितने पुलिस मेंबर हैं फीमेल जो नंबर है उनका, वो हमारे बिहार में सबसे ज्यादा है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मतलब वर्किंग आवर्स उनके ज्यादा बहुत ज्यादा है, छुट्टी का कोई ठीक नहीं रहता है, दिवाली को भी उनको दे दिया जाएगा उनका कोई। देखिए मैं समझता हूँ इस चीज को, ये देश की सुरक्षा का विषय है, लेकिन फिर भी एक वर्किंग आवर्स को जो है मेंटेन करके होना चाहिए, वर्क लाइफ का जो बैलेंस है बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। दूसरा क्या है, डाउनग्रेडेड फिटनेस। अभी इसका तो आप समझ ही रहे होंगे, तोंद निकला हुआ है, दरोगा कहला रहे हैं, अगर ऐसा स्थिति है तो गड़बड़ ही है ना। पुलिस को तो कहते हैं ना चपल होना चाहिए तुरंत, मतलब इतना ज्यादा फास्ट होना चाहिए कि वो अगर कोई चोरी करके भाग रहा है तो उसको पकड़ने में भी वो समर्थ हो, है ना, समझ में आ गया बात। करप्शन इन पुलिस, अब इसकी तो बात ही नहीं होनी चाहिए, ये तो सब जानते हैं, है ना, करप्शन इन पुलिस, तो इसके बारे में क्या बताऊं। अब जब है तो है, उसको ठीक करना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मुद्दा है वो है प्रकाशिंग कमिटी। आप सर इसकी चर्चा क्यों हो रही है, देखो एक चीज समझिए, जब भी पुलिस रिफॉर्म की बात आप कहीं सुनते हैं या फिर कहीं आपको इसको आंसर लिखना है पुलिस रिफॉर्म के बारे में, कहीं किसी को बोलना है, प्रकाश सिंह कमेटी जो है वो मस्ट है, मस्ट है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप प्रकाश सिंह कमेटी को पुलिस रिफॉर्म के मुद्दे में छोड़ देते हैं तो आप पुलिस रिफॉर्म में कुछ नहीं लिखते हैं, सीधी से बात समझ आई, इतना इंपॉर्टेंट है ये। प्रकाश सिंह जी अभी भी आप देखिएगा दैनिक जागरण का जो न्यूज पेपर उसमें आर्टिकल आता रहता है, ठीक है। अभी भी 2-4 दिन पहले उनका आर्टिकल आया था पुलिस रिफॉर्म पे, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है। तो इन प्रकाश सिंह के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए थे, तो प्रकाश सिंह कमेटी ने क्या कहा था, उनके उन्होंने कहा कि 7 स्टेप नीडेड टू बी टेकन टू रिफॉर्म पुलिस फोर्स। उन्होंने 7 स्टेप्स दिए हुए हैं और यही 7 स्टेप आपको लिखने हैं। क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ डीजीपी एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स। अगर किसी इलाके में कोई डीजीपी नियुक्त किया जाता है तो उसको कम से कम उस इलाके में 2 साल के लिए रहने दिया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि ड्यूटी एंड टेन्योर ऑफ ऑफिसर्स SHO IPS इसको भी 2 साल के लिए कम से कम बनाए रहना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की जो है जरूरत है, SSC का गठन होना चाहिए, ठीक है। चौथा उन्होंने क्या कहा कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड फॉर ट्रांसफर ऑर्डर एंड प्रमोशन, इसके लिए PEB का गठन होना चाहिए, यानी कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन होना चाहिए। फिर उन्होंने आगे कहा कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, PCA का गठन भी किया जाना चाहिए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होनी चाहिए स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी। छठा पॉइंट उन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन, ये होना चाहिए, लोगों को समझ में आए तभी तो कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है, दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है, उसका सेपरेशन होना बहुत जरूरी, उसके बारे में भी उन्होंने बात करी हुई है। सातवां जो उनका पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है ये कि सेटअप एंड नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट सेंट्रल लेवल। अब सेंट्रल लेवल पे NSC का गठन होना जरूरी है। ये 7 पॉइंट, इसको 70 बार आप पढ़ लीजिए, चाहे 50 बार पढ़ लीजिए, चाहे 5 बार पढ़ लीजिए, जैसे होता है पढ़ लीजिए, लेकिन इसको रट्टा मार लीजिए। प्रकाश सिंह केस में ये 7 पॉइंट को लिख दीजिए, आपका जो आंसर है वो ऐसे ही फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए मैं इम्फेसिस दे रहा हूँ उसको। बस मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और इसके नोट्स लिख लीजिए, फिर मैं जो समझाता हूँ उसको समझ लीजिए, आसानी से सब समझ में आ जाएगा। बाद में पढ़िएगा, सारा का सारा आपके दिमाग में तरोताजा एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ गवर्नमेंट में भी स्टेप्स लिए हुए हैं, तो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, कुछ देखिए बहुत
इजी इजी टॉपिक मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए इसमें चार पॉइंट मैंने लिखा है। पहला लिखा है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स स्कीम, ये एक स्कीम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस पुलिस फोर्स स्कीम। इसमें क्या हुआ कि दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स मॉनेटरी हेल्प टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देगी कि भैया अपने यहाँ के पुलिस को ठीक कर लीजिए। सीधे सी बात है, बचपन बचपन में आप लोगों ने देखे होइएगा कि जो पुलिस है वो पैदल भी मार्च करती थी, है ना, पुरानी टूटी फूटी जीप से जाती थी। आज के डेट में जो चोर है उसके पास अपाचे बाइक है, चोरी करेगा अपाचे से लेके भाई, वो जीप लेके करता है, उसमें भी डीजल खत्म हो जाता है। तो समझ रहे हो, तो उस तरीके का जो सिस्टम उसको बदलने की जरूरत है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दे दिए कि अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आपका जो एम्यूनेशन है, आपका जो मतलब मॉडर्नाइजेशन के जितने भी तरीके हैं उसको आप ठीक कीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मिलता है, तो ये कहलाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स स्कीम। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया डिजिटलाइजेशन ऑफ FIR, FIR को डिजिटाइज किया जाए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, इसको इसको करने के लिए मतलब ऑनलाइन पोर्टल वगैरह जो है वो बनाया गया है। तीसरा है CCTNS, मतलब इंटर स्टेट क्राइम को देखने के लिए CCTNS की स्थापना की गई है। अब आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और CCTNS का फुल फॉर्म लिख दीजिए। ठीक है, तब मैं समझूंगा कि आप लोगों ने वीडियो सही से देखा है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अपॉइंट DGP। अब देखिए DGP का गठन और अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ना करे। ठीक है, आज अभी तक वही होता है। दे नीड टू सबमिट अ लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द नेम्स टू UPSC एंड UPSC गिव टू नेम्स फ्रॉम दैट लिस्ट, इधर ऑफ वन कैन बी अपॉइंटेड एज DGP। ठीक है, इसमें क्या होगा, लिस्ट पॉलिटिसाइजेशन होगा। इसमें अभी क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उस स्टेट में वो अपने मतलब फेवरेटिज्म उसमें कर दिए, जो अपने फेवरेट पर्सन है उसको DGP बना देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब स्टेट जो है UPSC को लिस्ट दे दे और वो UPSC उसमें से दो मेंबर का जो नाम है उसका चयन करे और उसमें से किसी एक को बना दीजिए। ठीक है, सीधी सी बात है। तो इससे क्या होगा, पोलिटिसाइजेशन कम हो जाएगा इसमें। अगला पॉइंट क्या है कि किस तरह का रिफॉर्म की जरूरत है। देखिए पहला है कि मोर रिफॉर्म नीडेड इन द कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। पुलिसों को कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो किस तरीके से बात करें, वो किस तरीके से कम्युनिकेशन करें, उनकी सॉफ्ट स्किल कैसी हो, इस सब के बारे में ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आता है कि अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड फोकस ऑन स्पेशलाइजेशन। अब पुलिस, हर पुलिस को एक ही चीज नहीं सिखाइए, सबको स्पेशलाइज्ड कीजिए। कोई क्राइम ब्रांच में अच्छा हो, कोई साइबर क्राइम में अच्छा हो, कोई जो है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में अच्छा हो, हर तरीके का उसको मतलब स्पेशलाइजेशन दिया जाना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, वुमेन पुलिस फोर्स नंबर मस्ट बी इंक्रीज। ये बहुत अच्छा मुद्दा है और इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि वुमेन पुलिस फोर्स की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। चौथा जो है, सिटीजन सेंट्रिक एंड सेंसिटिव पुलिस फोर्स की स्थापना की जानी चाहिए। जो पुलिस फोर्स हो वो सिटीजन से सेंसिटिव हो, सिटीजन सेंट्रिक हो, थोड़ा सा सिटीजन के उसको समझे। ऐसा नहीं है कि उसको इल ट्रीट करे, सिटीजन के साथ अगर इल ट्रीट करेगा तो पुलिस का कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसके मतलब नहीं है फिर। समझ रहे मेरी बात को, तो इसीलिए देश की सेवा में होने चाहिए तो सिटीजन की भी सेवा में उनको होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। चलिए अगला जो पॉइंट है और अंतिम जो पॉइंट है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखिए, PM मोदी जी ने अभी कहा था कि वी नीड स्मार्ट पुलिसिंग। इस स्मार्ट वर्ड का ना थोड़ा सा बाइपर मतलब उसको तोड़ दिया गया है। इसमें क्या होता है, स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, इसको छोड़ दीजिए, ये मत देखिए। ठीक है, ये मत देखिए, है वही थोड़ा दाएं बाएं हो गया है, तो उसको मैंने सही से यहाँ पर रेड पेन से लिख दिया हुआ है। स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव होना चाहिए, एस एम मतलब मॉडर्न एंड मोबाइल होना चाहिए, ए मतलब अलर्ट एंड अकाउंटेबल होना चाहिए, आर मतलब रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और टी मतलब ट्रेंड एंड टेक्नो सेवी होना चाहिए। बस इतना चीज को एग्जाम में लिख दीजिएगा, प्रकाश इंकेस और ये स्मार्ट, ये दो चीज है ना कंक्लूजन में, ये होना चाहिए और बॉडी में प्रकाश इंकेस होना चाहिए, बस इतना रखेगा तो उसका मोर देन सफिशियंट है। बाकी तो आप जितना मैंने लेक्चर बताया उसी से लिख दीजिएगा। ठीक है, पुलिस शुड नॉट बी सीन एज फोर्स, दिस वुड बी सीन एज पुलिस सर्विस। मतलब उसको फोर्स की तरह मत देखिए, फोर्स अलग चीज है, फोर्स जो है वो अलग चीज है, यहाँ पे पुलिसिंग की काम है, वहाँ पे मतलब फोर्स का काम नहीं। फोर्स मतलब देश की सेना जो है वो दूसरा काम करती है और पुलिस जो है वो दूसरा काम करती है, इस चीज को समझना जरूरी है। तो उसको इस तरीके से देखिए कि वो पुलिस सर्विस में है, पुलिस मतलब वो फोर्स में नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए। ये क्या होती है, इट इज अ वे टू एस्टेब्लिश पीस एंड ऑर्डर व्हेन पुलिस एंड कम्युनिटी मतलब मेंबर वर्क टूगेदर। मतलब पुलिस और जो पुलिस है और जो कम्युनिटी के मेंबर है दोनों आपस में को मतलब
क्या कहते हैं उसको, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखें, कोऑपरेट करें, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मुंबई पुलिस का देखिए, मुंबई पुलिस का जो केस है उसमें क्या है, 8 आवर की ड्यूटी है उनके पास, ठीक है, 50 साल से ऊपर जो भी पर्सनल है और जो वुमेन पर्सनल है उनके लिए, उनके लिए क्या है, 8 आवर की ड्यूटी, उससे ज्यादा की ड्यूटी उनको नहीं है, तो ये एक बात हुई, ठीक है। तो मुंबई पुलिस का नाम देखिए कितना ज्यादा है इंडिया में। एक चीज और है कि हम पिंक पुलिस स्टेशन की व्यवस्था करें हर जगह पे, ये हो भी रहा है, दिल्ली में आप देखिएगा कई जगह पे पिंक पुलिस स्टेशन आपको दिखेगा, ठीक है। वुमेन सेंट्रिक पुलिस बूथ भी होनी जरूरी है, जहाँ पे सारे पर्सनल जो है वो वुमेन हो, और जो महिला आए उनका भी जो है वो अच्छे से, जैसे मान लीजिए कोई महिला है उसके उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, चाहे रेप की घटना की गई है, तो जो पर्सन अगर वहां मेल पर्सन अगर रहेगा तो उनको सही से मतलब सारी बातें खुल करके तो बता भी नहीं पाती हैं शर्म के मारे, है ना। तो अगर ऐसे में वुमेन पुलिस पूरी वुमेन रहेंगी सब, अब तो पूरा अच्छे से बता भी सकती हैं। एक पुलिस में जैसे मान लीजिए कोई लेडी है वो गई है किसी पुलिस स्टेशन में, वहां पे एक दो मेल मेंबर भी है, एक दो वुमेन मेंबर भी है, तो वहां पे वो फिर भी वो सही से नहीं बोल पाएगी। अगर सब औरत रहेंगी ना तो औरत जो है औरत के सामने अच्छे से बात कर पाएंगी, इसीलिए कहा जाता है कि वुमेन सेंट्रिक पुलिस बूथ जो, क्योंकि अगर आप केस को सही से रजिस्टर कराएंगे तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। बस मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो देखते देखते आप नोट्स जरूर बना दीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए, और बस उसको मेरे वीडियो को सुनने के बाद उसको दोबारा पढ़ लीजिए, बस इतना ही काम करना है आपका। नोट्स भी तैयार है आपके, वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। देखिए पुलिस रिफॉर्म में इससे ज्यादा ज्यादा पढ़ना नहीं है, इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है, इतना लिख देंगे बहुत अच्छा मार्क्स आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो एक चीज और कहूंगा मैं बस लास्ट में कि प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और, अब मैंने इसका टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट कर दिया है, जो आप मेरे चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जाइए उसको, अभी ज्यादा लोग हैं नहीं उस पे, उसको सर्च कीजिए और उस पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी नए वीडियो आएंगे उस पे आपको आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बार बार आपको यूट्यूब पे जाने की अब ये जरूरत नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू। उस पे मैं कुछ नोट्स भी शेयर करूंगा, ठीक है, पीडीएफ नहीं दूंगा, कुछ नोट्स वगैरह दूंगा ताकि आपको आसानी से मिल जाए, आप प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ व्यवस्था करेंगे, अभी आने वाले टाइम में सब व्यवस्था होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।